प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूं आपका सीएम। आइए यूपी के प्रयागराज की ओर ले चलते हैं, जहां पर योगी सरकार का गड्ढा मुक्त अभियान प्रयागराज में हो रहा है फेल। हालांकि 12 तहसील के अंतर्गत ग्राम सभा कांटी के मजरा ठनठनवा रीवा मार्ग से गांव की तरफ सड़क निकली हुई है। वह सड़क जो सुखों को पूरा से होकर कौंधियारा रोड से मिली हुई है, इस सड़क पर बड़े से बड़े गड्ढे हो गए हैं। वही क्षेत्रवासियों का कहना है कि महिलाओं और बच्चों की तबीयत बिगड़ जाए तो एम्बुलेंस घर तक नहीं पहुंच पाती है और कई कई बार युवाओं और वृद्धाओं का कई बार मौत भी हो चुकी है। इसकी शिकायत संबंधित अधिकारी से भी कही गई, लेकिन आज तक कोई समस्या का समाधान नहीं निकला और ना ही कोई अधिकारी जांच करने के लिए आए। बरसात में सड़क पर पानी भी भर जाता है। सड़क को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। अधिकारी जानकर भी अनजान बने हुए हैं। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए प्रयागराज 12 से मनोज कुमार की रिपोर्ट। 15 साल हो गए अब तक इस सड़क पर, यहाँ तो बारिश हो जाती है तो लोग साइकिल से चलना मुश्किल हो जाता है। और जो ये एम्बुलेंस चली है गर्भवती औरतों को ले जाती है, अगर बारिश हो गई या नहीं हो गई अगर फ़ोन किया जाता है तो एम्बुलेंस भी यहाँ आने से कतराती है। और इस सड़क के लिए हमने आवेदन पूर्व सांसद श्यामाचरण गुप्ता जी को दिया तो उन्होंने बोला कि हमें बाप वोट ही नहीं दिए हैं, मोदी जी को वोट दिए हैं। डीएम साहब को मैंने दिया, कुछ नहीं सुनवाई हुई। यहाँ के विधायक अजय भारतीय जो वर्तमान में हैं उनको भी मैंने आवेदन किया पर कोई सुनवाई नहीं है। ये सड़क कहाँ से निकली है? ये सड़क हाईवे से लिंक है, छोटी कांटी से ये जाके बजहिया होते हुए कौंधियारा मिलान किया है। SDM 12 साहब ने इसकी शिकायत? नहीं सर, यह SDM 12 से हमने इसकी शिकायत की थी, पहले ही शिकायत वहाँ दर्ज कराई थी पर कोई सुनवाई नहीं है। जी मैं लाल बिन ग्राम सभा काटी मजा ठनठनवा। सर हमारी यही उम्मीद है कि सड़क जो है काफ़ी ख़राब है, 15 वर्षों से मैं देख रहा हूँ सर, नहीं सड़क बननी चाहिए। यहाँ जो एम्बुलेंस के लिए गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए काफ़ी परेशानियां बढ़ जाती है, जो कि हमारा जसरा ब्लॉक पड़ता है CSC और ठनठनवा से दूरी 8 किलोमीटर है, जाने में 10 मिनट लगता है लेकिन इसमें 1 घंटे तक टाइम ले लेते हैं।